नमस्कार मित्रों, आइए आज आपको बताते हैं स्वादिष्ट गुलाब जामुन कैसे बनाए। तो इसमें एक हम गुलाब जामुन मिक्स का एक पैकेट ले लेते हैं, उसको फाड़ करके इसमें से निकाल लेंगे गुलाब जामुन पाउडर को, और 100 ग्राम गुलाब जामुन मिक्स के पाउडर में 50 ग्राम पानी मिलाएंगे। इस तरह से पानी मिला के इसका डो बना लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे जिससे कि गांठें नहीं बनने पाए। इस तरह से डो बनाते रहेंगे और इसको तब तक चलाएंगे जब तक कि ये बर्तन से चिपकना बंद नहीं हो जाता। जब ये डो बन जाएगा तो इसे गोलियां बनानी शुरू कर देंगे। इस तरह से गोल गोल गोले बनाएंगे छोटी छोटी, और ये गोलियां एक बर्तन में रख लेंगे बना करके। और अब ये गुलाब जामुन की गोलियां बनकर के तैयार हो गई हैं। इनको आंच पर तला जाएगा। पहले कढ़ाई में तेल या घी को तेज आंच पर गर्म कर लेंगे और जब तलेंगे तो आंच को मध्यम कर लेंगे। ये यहाँ पर कढ़ाई रखती है हमने और ये तेल गर्म हो रहा है, और ये अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, आंच को धीमा कर दिया है, और इसमें ये जो हमारी गोलियाँ तैयार थी ये इसमें डालेंगे। इस तरीके से डाल के देख लेंगे, और जब हल्के से बुलबुले देखेगा उठ रहे हैं इसका मतलब हमारा तेल तैयार हो चुका है, ये इसकी पहचान है। और अब ये सीख रहे हैं इस तरीके से, इनको हल्का डार्क होने तक तलेंगे। जैसे कि गुलाब जामुन का कलर होता है ठीक उस तरह का कलर जब आ जाएगा तब इनको इसमें से निकालेंगे। झाग निकल रहे हैं, और तब तक के बीच में चाशनी बना करके तैयार कर लेंगे, और उस चाशनी में ये गरम गरम ही डालते जाएंगे। चाशनी बनाने के लिए 400 ग्राम या 500 ग्राम चीनी लेंगे और उसमें उससे थोड़ा सा कम पानी डालेंगे और उसको गर्म करेंगे। ये देखिए अब ये हमारे गुलाब जामुन या रसगुल्ले का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, और ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और ये इसके साथ साथ फूल भी रहे हैं। ये देखिए हमारे रसगुल्ले अब जो है इनका कलर जो है ब्राउन हो चुका है, और चाशनी हमने पहले से बना करके रखी हुई है, उस चाशनी में इनको डालेंगे। इस तरीके से ये चाशनी में डालते जा रहे हैं इनको। इस तरीके से धीरे धीरे मध्यम आंच पर इनको पकते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे जिससे कि सभी तरफ से अच्छी तरीके से सिक जाएं। चाशनी में रसगुल्ले डाल दिए हैं, और अब ये फूल चुके हैं धीरे धीरे से, जो पड़े हुए हैं रसगुल्ले इसमें। तले हुए रसगुल्लों को लगभग आधा घंटे तक इस चाशनी में डुबाए रखेंगे, उसके बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब आधा घंटा हो चुका है तो एक रसगुल्ले को निकालते हैं और देखते हैं ये कैसा बना है। आइए इसको काट के देखते हैं कैसा है। ये देखिए एकदम से मुलायम बना हुआ है, बहुत अच्छा, बिल्कुल सॉफ्ट है ये। इस तरह के रसगुल्ले आप और बना सकते हैं स्वयं घर पर, स्वादिष्ट और रसगुल्ले। इसको आधे घंटे तक बस ध्यान रखेंगे कि चाशनी में ये डूबे रहने चाहिए, उसके बाद ही निकालेंगे। ये
चाशनी में थोड़ा ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें थोड़ा सा एक या दो इलायची को कूट करके मिला देंगे, जिससे कि इलायची की खुशबू रसगुल्लों में आने लगेगी और ये और अधिक स्वादिष्ट लगेंगे।